काफी समय पहले की बात है, जब दुनिया शुरू हुई थी तो बस समुद्र था और वहाँ से निकली तफीती। तफीती के पास काफी शक्तियाँ थी, वो जिंदगी क्रिएट कर सकती थी और उन्होंने जिंदगी दी काफी लोगों को। उन्हीं की शक्तियों की वजह से आसपास के सारे लोग और सारे टापू काफी खुशहाल रहते थे। पर जैसे जैसे समय कटता गया, लोगों के मन में लालच पैदा हो गया। सब चाहते थे तफीती का दिल हासिल करना और ऐसी ही इच्छा थी माउई की। माउई दरअसल काफी शक्तिशाली था, वो अपना रूप बदल सकता था, वो जो चाहे वो बन सकता था। और ऐसे ही उसने तफीती का दिल चोरी कर लिया। और वैसा करते ही तफीती काफी नाराज हो गई और वो पहले जैसे कभी नहीं रही। उसकी जमीन एकदम बंजर हो गई, सारी हरियाली गायब हो गई और तब जाकर प्रकट हुआ तेका। तेका काफी भयानक था। तफीती का दिल चोरी तो हो गया था पर माउई को एक श्राप मिला। उसे हमेशा के लिए एक टापू में भेज दिया गया और उसका हथियार और तफीती का दिल दोनों समुद्र में गायब हो गए। और ये कहानी कुछ बच्चों को एक दादी सुना रही थी। ये दादी सबको बताती है कि तफीती के जाने के बाद सारे टापू धीरे धीरे बंजर हो रहे हैं। ये सुनकर सारे बच्चे काफी डर जाते हैं। बस एक बच्ची थी जो बिल्कुल नहीं डरती और उसका नाम था मोआना। मोआना इस गांव के मुखिया की बेटी थी और जो कहानी सुना रही थी वो उसकी दादी थी। और काफी छोटे से ही मोआना को समुद्र बहुत पसंद था। उसे जैसे ही मौका मिलता वो पानी के पास चली जाती और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि समुद्र उसके लिए रास्ता बनाता है। ये देखकर मोआना काफी खुश होती है। इस बीच पानी में से कुछ हरा हरा उसके पास आता है। समुद्र उसे तफीती का दिल देता है और तभी वहाँ के मुखिया की आवाज आती है, इसलिए पानी उसे वापस ले जाता है और साथ ही तफीती का दिल समुद्र में ही रह जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ये गांव काफी खुशहाल है। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो साथ मिलकर काम करते थे, फसल उगाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और ऐसे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। इसी बीच मोआना समुद्र में जाने की काफी कोशिश करती है पर उसे हमेशा रोका जाता था। बस एक उसकी दादी ही थी जिन्हें समुद्र से उतना ही प्यार था जितना मोआना को था। एक दिन मोआना के पापा उसे अपने साथ पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे पत्थर थे। उसके पापा उसे बताते हैं कि जैसे इस गांव में कोई नया मुखिया बनता है वो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते हैं और एक दिन जब तुम मुखिया बनोगी तुम भी अपना पत्थर यहाँ पर रखोगी। उसे बताते हैं कि यही हमारा सब कुछ है और तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। मोआना अपने पापा की बात सुनती है और वो कोशिश करती है अपने पापा के नक्शे कदम पर चलने की। एक दिन कुछ औरतें उसके पास आती हैं। उसे बताया जाता है कि सारे नारियल खराब हो गए हैं। मोआना कहती है कि कोई बात नहीं, क्यों ना हम नए पेड़ लगाएं। तो वो औरतें ये सुनकर काफी खुश होती हैं। वो उसके पापा से कहती है कि मोआना एक अच्छी सरदार बनेगी। इसके बाद मछुआरे बताते हैं कि उनके पास फिशेज नहीं आ रही। मोआना कहती है कि क्यों ना किसी और जगह पर ट्राई किया जाए। तो उसे बताया जाता है कि हमने सारी जगह ट्राई कर लिया पर कुछ भी नहीं हो सका। मोआना कहती है कि समुद्र के बीच में जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ पर मछलियाँ हो। तो उसके पापा उस पर काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी समुद्र में कभी नहीं जा सकता। मोआना को समझ नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। उसे बताती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसे थे, जब वो छोटे थे तो वो और उसके भाई समुद्र में चले गए और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनके भाई की मौत हो गई। उसके पापा अपने भाई को बचा नहीं पाए और तब से उन्हें समुद्र में जाना पसंद नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि तुम सेफ रहो, वो तुम्हें खोने से डरते हैं। इसके बाद मोआना गाना गाती है। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, उसे ऐसा लगता है जैसे समुद्र उसे पुकार रहा हो, इसलिए वो ज्यादा नहीं सोचती और सीधा समुद्र में जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी सामने से एक बड़ी सी लहर आती है जिस वजह से मोआना पानी के अंदर चली जाती है। उसका पैर फंस जाता है पर वो जैसे तैसे वहाँ से निकलती है और वापस टापू पर आती है। उसके पैर में चोट आई थी और तभी वहाँ उसकी दादी आती है। वो छुपाने की कोशिश करती है पर उसकी दादी उसे अच्छे से जानती थी। वो समुद्र में जाती है और डांस करने लगती है। वो कहती है कि जब मैं मरूंगी तो मैं एक फिश बनकर वापस आऊंगी। इसके बाद वो मोआना को अपने साथ ले जाती है। मोआना देखती है कि उसके सामने काफी सारी बोट्स हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये बोट्स आखिर यहाँ क्या कर रही है पर तभी उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके सारे पूर्वज जहाजी थे, वो बड़ी बड़ी शिप्स पर रहते थे और सबको पानी से काफी प्यार था और ये जानकर उसे काफी अच्छा लगता है। पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ था, अचानक से वो पानी में जाने से डरने क्यों लगे। वो अपनी दादी से पूछती है। उसकी दादी बताती है कि जैसे ही तफीती का दिल चोरी हुआ समुद्र भी काफी भयानक हो गया था, जो भी उसमें जाता समुद्र उसे निराश रहता, इसलिए उन्होंने सारी बोट्स को छुपा दिया और भूलने का फैसला किया कि वो सब जहाजी हैं। उसकी दादी उसे बताती है कि सारे जहाज धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी सारी जमीन बंजर हो जाएगी। वो मोआना से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें चुना गया था, मैंने देखा था जब तुम छोटी थी तो समुद्र ने तुम्हें तफीती का दिल दिया था, तुम्हें तफीती को बचाना होगा, उसका दिल उसे वापस करना होगा। ये सुनकर मोआना सीधा अपने पापा के पास जाती
जाती है। वो कहती है हमें समुद्र में जाना होगा, हमें तफीती का दिल वापस देना होगा। और उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं और तफीती का दिल फेंक देते हैं। वो आना उसे लेने जाती है पर तभी वह उसे अपनी दादी की छड़ी दिखाई देती है। उसी वक्त वहाँ एक इंसान आता है। वो सबको बताता है कि मोआना की दादी की तबीयत काफी खराब है। मोआना जल्दी से अपने दादी के पास जाती है। उसकी दादी उसे कहती है तुम्हें समुद्र में जाना होगा और तफीती का दिल वापस करना होगा, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, अगर टापू नहीं रहे तो इंसान भी नहीं रहेंगे। और ये कहकर वो हमेशा के लिए चली जाती है। मोआना जल्दी से जाती है और सफर के लिए सामान पैक करती है। तभी उसकी मॉम आती है और वो उसकी मदद करती है सामान पैक करने में। इसके बाद मोआना छोटी सी नाव लेती है और उसका सफर शुरू होता है। इसी बीच उसे अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मुर्गी उसके साथ आ गई थी और इस बड़े से समुद्र में बस वो और उसकी मुर्गी थी। पर रात को अचानक से मौसम काफी अजीब हो जाता है। समुद्र मोआना का साथ नहीं देता। उसे समझ नहीं आता कि पानी ऐसा क्यों कर रहा है, पर ऐसा करने की वजह थी क्योंकि समुद्र चाहता था कि मोआना माउई के पास जाए। इसलिए सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो एक टापू पर होती है। तभी उसे सामने कुछ निशान दिखाई देते हैं। उसे रियलाइज होता है कि यहाँ जरूर माउई होगा और अचानक से किसी की आवाज आती है। वो छुपने की कोशिश करती है। माउई को ऐसा लगता है कि वो बोट उसके लिए आई है और फाइनली वो उस टापू से निकल सकता है। पर मोआना उसे बताती है कि नाव उसकी है और वो उसके साथ तफीती तक जा रही है। ये सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई है क्योंकि उसने ही तफीती का दिल चोरी किया था और उसको वो वापस देना होगा। इसी बीच वो गाना गाने लगता है और अपनी तारीफें करता है, पर ये तो उसकी चाल थी। वो दरअसल वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो मोआना को एक गुफा में बंद कर देता है। उसकी बॉडी में जो टैटूज थे वो उससे बात करता था। उसका टैटू उसे ऐसा करने से मना करता है पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। और साथ ही वो मुर्गी को लेता है। वो कहता है इसे मैं आराम से खाऊंगा। और तभी मोआना गुफा से निकल जाती है और सीधा पानी में जंप करती है। माउई उसके लिए रुकता नहीं और मोआना काफी स्लो स्विम करती है, इसलिए पानी उसकी मदद करता है। माउई उसे नीचे फेंकता है और पानी उसे बार बार वापस रखता था। मोआना उसे तफीती का दिल दिखाती है। माउई उसे देखते ही फेंक देता है पर पानी उसे भी वापस करता है। माउई कहता है कि ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, पर पानी उसे भी जाने नहीं देता। मोआना उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, पर माउई कहता है कि रास्ते में हमें तेका मिल सकता है और मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। पर इसी बीच उन पर हमला हो जाता है। बहुत सारे नारियल उनके पीछे पड़ जाते हैं पर ये जैसे तैसे वहाँ से निकल ही जाते हैं। अब मोआना चाहती थी कि माउई उसके साथ जाए पर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सारे लोग तुम्हारी काफी तारीफ करेंगे, तुम फिर से सबके हीरो बन जाओगे। और ये सुनकर माउई मान जाता है। वो कहता है कि मैं ये काम अपने हथियार के बिना नहीं कर पाऊंगा। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि सबसे पहले उसका हथियार लेकर आएंगे और उसके बाद तफीती का दिल वापस देंगे। अब उन्हें जाना था एक केंकड़े के पास। माउई का हथियार दरअसल एक केंकड़े के पास था। उस केंकड़े को शाइनी चीजें काफी पसंद थी और वो रहता था एक टापू में। ये दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मोआना देखती है कि अंदर काफी सारा सोना है। इसके बाद मोआना अंदर जाती है और वो केंकड़ा उसे पकड़ लेता है और इसी दौरान माउई अपना हथियार लेने की कोशिश करता है। वो केंकड़ा मोआना को खाने ही वाला होता है कि तभी उसे रोका जाता है, पर ये दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से निकल ही जाते हैं। और फाइनली माउई के पास अपना हथियार होता है। उसकी मदद से किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकता था और देखते ही देखते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और आखिरकार ये तफीती के पास पहुँच जाते हैं पर उसी वक्त उन पर तेका हमला करता है। वो हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिस वजह से माउई का हथियार काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इन दोनों को वापस जाना पड़ता है। माउई उसे कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वो उसे तफीती का दिल वापस करता है और कहता है कि मैं अपना हथियार नहीं खो सकता और तुम्हारे इस काम के लिए मैं मर नहीं सकता। वो वहाँ से निकल जाता है। मोआना काफी सैड होती है। वो समुद्र से कहती है कि आपने मुझे क्यों चुना, प्लीज किसी और को चुनिए। वो तफीती का दिल वापस कर देती है। वो काफी उदास होती है कि तभी उसके सामने एक रोशनी आती है। ये रोशनी और कोई नहीं पर उसकी दादी माँ थी। वो उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। उसकी दादी उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम मेरी मोआना हो, तुम चाहे कोई भी डिसीजन लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और अपनी दादी की बातें सुनकर वो डिसाइड करती है कि उसे तफीती का दिल वापस देना है, बेशक उसे अकेले ही जाना पड़े। इसलिए वो जाती है और तफीती का दिल वापस लेकर आती है। उसे वापस आने की हिम्मत मिल गई थी। और देखते ही देखते वो तेका के सामने होती है। तेका उस पर हमला करता है पर मोआना बिल्कुल भी हार नहीं मानती। वो एक छोटे से रास्ते से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच तफीती का दिल उसे गिर जाता है और उसकी मुर्गी उसे बचा लेती है। तेका उस पर लगातार हमले करता है और इसी बीच वहाँ माउई आता है। उसे देखकर मोआना काफी खुश होती है। वो कहता है तुम जाकर तफीती का दिल वापस
वापस करो, मैं तेका को देखता हूँ। इसके बाद माउई तेका को डिस्ट्रैक्ट करता है और मुआना जैसे तैसे तफीती के पास जाती है और तेका से लड़ते लड़ते माउई का हथियार एकदम टूट जाता है। इसी बीच मुआना को रियलाइज होता है कि तेका ही दरअसल तफीती है। माउई ने जो उसके साथ किया उसके वजह से वो काफी बुरी बन गई थी और तफीती तेका में बदल गई थी। इसके बाद वो तफीती को उसका दिल दिखाती है और उसके पास जाती है। वो गाना गाने लगती है और तफीती से कहती है कि याद करो तुम असली में कौन हो, और ये सुनकर तफीती थोड़ा सा शांत हो जाती है। इस बीच मुआना उसका दिल उसे वापस देती है और अचानक से तफीती फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर मुआना काफी खुश होती है। इस बीच माउई तफीती से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सुनकर तफीती काफी खुश होती है। इसलिए वो माउई को उसका हथियार गिफ्ट करती है। माउई उसे देखकर काफी खुश होता है और साथ ही मुआना को उसकी नाव वापस करती है। इसके बाद तफीती सो जाती है और अब मुआना का वापस जाने का वक्त आ चुका था। वहीं मुआना के गांव में फिर से हरियाली वापस आती है। मुखिया काफी खुश होता है। वो देखता है कि उसकी बेटी वापस आ गई है। उसे अपनी बेटी पर काफी नाज होता है। गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सब लोग फिर से अपनी नाव वापस निकालते हैं। और इसी बीच पानी मुआना को तोहफा देता है। इसके बाद उसे मुखिया बना दिया जाता है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगर किसी में हिम्मत हो तो किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। मुआना ने कभी हार नहीं मानी और आज उसकी वजह से उसका गांव बच गया था। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।